कस्टमर की पहली पसंद और अपनी सेवाओं से लोकप्रियता हासिल कर ग्रेस सैलून ने अपनी नई दूसरी ब्रांच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि श्रीमती ख्याति साहू, प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भिलाई और देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर राजेश चौहान ने अपनी शुभकामनाएं दी। भविष्य में महिलाओं की क्षमता के अनुसार कार्यों का मूल्यांकन करते हुए महिलाएं भी ब्यूटी पार्लर व आर्टिफिशियल जैसे आभूषणों की दुकानों को खोलकर बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल कर रही है। लगातार बढ़ती हुई इस मांगों को लेकर महिलाएं आज अपने जीवन के उज्जवल भविष्य को और अपने परिवारों को दे रही है। ऐसा ही हमें ग्रेस सैलून की संचालिका योगिता हरिहारनो नाम की महिला के जीवन सफर को देखने मिला, जो कुछ साल पहले एक पुराने गैरेज से सटे एक छोटे से दुकान में ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी और वो आज दुर्ग में एक अच्छे ब्यूटी पार्लर ग्रेस सैलून संचालित कर महिलाओं को अपनी सेवाएं देकर ऊंचाई हासिल कर रही है। इसी कड़ी में अपने मुकाम को आगे बढ़ाती हुई भिलाई के नेहरू नगर में न्यू ओपनिंग कर दूसरे नए ग्रेस ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, जिसे देख महिलाएं संगठित होकर उनके जज्बे को सलाम करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में ग्रेस पार्लर के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि श्रीमती ख्याति साहू, निदेशक प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भिलाई और देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर राजेश चौहान ने फीता काटकर ग्रेस का उद्घाटन किया, साथ ही इस नए ब्यूटी पार्लर का अवलोकन कर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि ग्रेस पार्लर को नेहरू नगर की इंटीरियर डिजाइनर सोनम चौहान द्वारा डिजाइन किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेस सैलून जो सेवाएं दे रहा है वह बहुत ही नवीन और बहुत सस्ती कीमतों पर है। साथ ही इस मौके पर पहुंचे अन्य विशेष अतिथि श्री शंकराचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना झा ने कहा कि ग्रेस सैलून जो नेल आर्ट में सेवाएं प्रदान कर रही है वह बहुत उत्तम दर्जे की और सुंदर है, इन दिनों प्रचलन में भी है। वहीं कार्यक्रम की अन्य अतिथि नीता शर्मा, अंजलि तिवारी, निधि सिंह रचनात्मक और प्रसिद्ध फ्रीलांस पेंटर है। उन्हें ग्रेस सैलून द्वारा उचित मूल्य पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं पसंद आई। साथ ही पूजा दुलाई ने विशेष रूप से लेमन ग्रास और वैक्स पेडिक्योर को शामिल किया, जो बहुत ही नवीन और आरामदायक पेडिक्योर है। इस दौरान उद्घाटन में श्रीमती मेघा परमार, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और प्रसिद्ध ज्योतिषी प्राची पाठक, योगेश हरिहारनो, सुमन ओमेश्वरी, वर्षा नायक शामिल रहे। इस मौके पर आए अतिथियों ने प्रतिक्रिया दी। मैं 19 साल से इस फील्ड में हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला और भगवान की बहुत कृपा है कि लोगों को मेरी सर्विस भी बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं नेहरू नगर में भी सेकेंड ब्रांच खोल रही हूँ। मतलब मेरे को भगवान की बहुत कृपा रही कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे मिले। मैं स्ट्रगल तो बहुत था, मैं बहुत ही छोटे जगह से स्टार्ट की हूँ, मतलब आप एक गैरेज बोल सकते हो, मैं वहाँ से स्टार्ट की थी अपने जर्नी को। और उसके बाद जब मैंने अपने घर में थोड़े से पैसे अमाउंट जमा करके एक अच्छा सा सेटअप डाला, उसी के 8 दिन बाद लॉकडाउन हो गया था फर्स्ट कोविड का, तो वो सब चीज़ें मैं देखी हूँ। उसके बाद भी जब लगा कि नहीं मेरा जम ही नहीं रहा है तो मैं मार्केट में आई दुर्ग में, मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत मेरे को अप्रिसिएट किए और उन्हीं लोगों ने मेरे को इतनी उम्मीद दिखाई कि आप और भी जगह डाल सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पर डरना नहीं है। अगर आप काम करेंगे और बेस्ट करेंगे, अपने क्लाइंट्स को खुश करेंगे, तो वो कहीं जाएंगे नहीं, आपके पास ज़रूर आएंगे। हर महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का ज़रूरत तो पड़ता ही है और जैसा कि आज अपन लोग आजकल देखते हैं कि हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाना पसंद करता है और फिट रहना पसंद करता है। तो दो जो बिजनेस हैं आजकल बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, एक तो जिम वाला जो फिटनेस को लेके है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप जितना भी देखें ना सिर्फ महिलाएँ बल्कि जो पुरुष भी हैं आजकल के, वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना, गुड लुकिंग दिखाना, इस पे बहुत ध्यान देते हैं अपने पर्सनालिटी को लेके। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप अपने
इसमें कॉन्फिडेंस जो आपका आता है वो कहीं ना कहीं इससे ज़रूर आता है। और ये जो बिज़नेस है, ये जो इंडस्ट्री है, आजकल बहुत बढ़ रही है, इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया है। और पहले के समय में जैसा मैं देखती थी कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग ही हैं जो इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर वगैरह जाते थे, जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ, मेरे मम्मी लोग कभी ऐसा गए नहीं। पर हाँ, आजकल मैं देखती हूँ कि ना सिर्फ मेरी सासू माँ भी अब हम इस तरह के हो गए हैं कि नहीं, हम भी पार्लर जाएंगे, थोड़ा हेयर कट कराएंगे, अपने आप को अच्छा दिखाना, किसको पसंद नहीं है, और तारीफ पाना भी किसको पसंद नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये अभी आके और बहुत ग्रो करेगी। और जिस जो आप बोलना चाह रहे हैं कि पार्लर है, तो पार्लर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई कमी आने की मुझे तो आगे कोई उम्मीद ऐसे दिखती। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।